बिहार के नियोजित शिक्षकों को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बड़ा झटका दिया है। क्या अब नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने में क्या बहुत लेट होगा? नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने नियोजित शिक्षकों पर बड़ा बयान दिया है, जिससे नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, नियोजित शिक्षक पर उन्होंने कहा है कि अब तक उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने पर कोई फैसला ही नहीं लिया गया है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा पाने का सपना उस समय चकनाचूर हो गया जब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रविवार को कहा कि फिलहाल नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। वक्त आने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर फैसला लेंगे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने नई नौकरियों को देने में रिकॉर्ड कायम किया है, लेकिन नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने का वादा कब पूरा होगा वे ये नहीं बता पा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से खबर चल रही थी कि बहुत जल्द नीतीश सरकार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे सकती है। कहा जा रहा था कि नवरात्र के पहले नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा राज्य सरकार दे सकती है, लेकिन फिलहाल उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि इसको लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने पर सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि समय पर सभी बातों का निर्णय होगा, अभी नहीं, इसको लेकर मुख्यमंत्री विचार करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार सभी का ख्याल रखेगी। तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में कहा कि अभी राज्य सरकार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का फैसला लेने नहीं जा रही है। तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा कि सरकार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देगी। तेजस्वी ने एक तरह से समय सीमा को खत्म कर दिया है, अभी राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए नियोजित शिक्षकों को और इंतजार करना होगा। तेजस्वी के इस वक्तव्य के बाद नियोजित शिक्षकों में घोर निराशा देखी जा रही है। बता दें कि पिछले कुछ समय से कयास लगाए जा रहे थे कि नियोजित शिक्षकों को दशहरा के पहले राज्यकर्मी का दर्जा बिहार सरकार दे सकती है, लेकिन तेजस्वी यादव के बयान के बाद उनका सपना फिलहाल टूट ही गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बिहार में नियोजित शिक्षकों की जो उम्मीद थी वो टूटती नजर आ रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा कि नहीं, इस पर अभी तक कोई बात ही नहीं की गई है। और एक तरफ नियोजित शिक्षकों को कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि नवरात्र से पहले जो है उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। आगे उस मुद्दे पर बिहार सरकार क्या फैसला लेती है, इसके लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।